देसी घी लिया है, गैस पे कढ़ाई चढ़ी है, फुल आंच है। ये मैंने 200 ग्राम मखाना लिया है, इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। घी थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। फुल आंच पे ही कर रहे हैं, इसको बराबर चलाते रहिएगा। इसको भी आप नौरात में बना के आराम से रख सकते हैं, इसको तो आप चाहे तो एज ए प्रसाद में भी चढ़ा सकते हैं। इसको भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है, खूब अच्छे से मेरा क्रिस्पी भुन गया है। ध्यान रखिएगा मखाना एकदम क्रिस्पी होना चाहिए। अब गैस बंद कर देंगे, खाली करके इसी कढ़ाई में हम चाशनी बनाएंगे इसकी। एक मीडियम साइज कटोरी भर के मैंने चीनी लिया है और उतना ही हम पानी मिला दे रहे हैं। इसकी एक चिटकी हम चाशनी तैयार करेंगे। इसमें हम कुछ बूंदे नींबू की डाल दे रहे हैं, इससे बढ़िया ट्रांसपेरेंट चाशनी है ये मेरी। चाशनी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। हल्का सा हाथ पे लगाते हैं, ये देखिए एक बढ़िया सा तार सा आ रहा है, तो हो गई हमारी चाशनी। गैस बंद कर देंगे। अब ये सारे फ्राई किए हुए मखाने हम इसमें मिला देंगे, अच्छे से मिक्स करके। गैस मैंने ऑन कर दिया है, इसी में भी सारा चाशनी सोख लेगा। अच्छे से मखाने में सोख कर लिए, गैस बंद कर देंगे, थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, बहुत गर्म है अभी। ये मखाना पाक मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसे आप व्रत में प्रसाद में चढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए हमारा मखाना पाक बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे नारियल है, बादाम है, ये लाइकिंग आपकी है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक